हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। और देखिए, आज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कमरा हमारा खाली हो चुका है और उस पर करवाना है रंग। तो आज मिस्त्री लगे हुए हैं, रंग कर रहे हैं। इधर रवि जी की भी तबीयत वैसे तो ठीक है, बुखार से राहत है। ये है कि नहीं, बुखार होने के बाद में शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है, तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो जाता, ना ठीक से बैठा जाता, ना ठीक से लेटा जाता। तो ऐसी हालत हो रही इनकी। बस देखिए, दो दो काम कर रहे हैं एक साथ। एक तो इधर वीडियो डाल रहे हैं और इधर अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। आज ऑफिस में नहीं गए ना, यहाँ पे ही है। और यहाँ पे ही मंगा लिया था अपने काम करने का। देखिए, दो दो लैपटॉप चला रखे। और देखिए, इधर तो अपने ऑफिस का काम कर रहे, घर पे ही मंगा लिया था किसी लड़के पे, और इधर वीडियो डाल रहे। दोनों लैपटॉप एक साथ चला रखे। बुखार तो ठीक है, पर ये है कि बुखार के बाद में कमजोरी इतनी आ गई, हाथ पैर ना ठीक से काम नहीं कर रहे। और ये दोनों काम भी जरूरी हैं जो काम करते। और देखिए, इधर मिस्त्री लगे हुए हैं। पुट्टी कर रहा भाई कल। देखिए, इस कमरे का रंग, इस कमरे में जो कलर करवाया है, पेंट करवाया है, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये तीन दीवार तो मतलब तीन दीवारों पे तो करवाया है एक जैसा कलर, और ये कलर करवाया है अलग, पिंक कलर। इस कम पिंक कलर हाँ, तीन पे करवाया ना बेटा, एक इधर से, एक इधर साइड में से, और एक इधर से। और ये सामने पिंक, बच्चों मिस्टी का फेवरेट पिंक, और ब्लैक। लड़कियों को पिंक पसंद होता है, मिस्टी को। और अब मैं आ गई हूँ बाहर बरामदे में। बरामदे में ये कलर कराया है, देखिए अच्छा लग रहा है, पर्पल कलर। और बाहर चौक में कराया है ये वाला, वो मतलब रवि जी के दोस्त आए हैं रवि जी से मिलने, उनकी हालचाल पूछने के लिए। रोज आ जाते हैं इस टाइम 5-10 मिनट को देखने के लिए कि क्या कराया है, तो आज भी आए हैं। ओ और सुबह के टाइम से तो बच्चे ठीक थे, मिस्टी को कुछ भी नहीं है, तब मिस्टी बिल्कुल ठीक थी। और दोपहर से बाद में मिस्टी को भी बुखार चढ़ गया, बहुत तेज बुखार हो रहा अभी तो। सॉरी, डॉक्टर को बोल रहा है आने के लिए, मैं थोड़ी देर में आने वाले हैं। देखिए कैसी गर्म हो रही, बहुत। बस एक दुख जाता नहीं, दूसरा दुख तैयार हो जा। इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, और बच्चों को देखिए दोपहर से ऐसे ही सो रही। बेटा मिठी मिठी, ए बेटा उठती नहीं, बहुत गर्म हो रही, बहुत तेज बुखार है। ऊपर से काम भी है, मिस्त्री भी लग रही, और इन पे भी कुछ नहीं होता, बस बैठे आवाज लगाओ जाए, इन्हें भी टाइम से दवाई दूं। और ऊपर से अब जब मिस्टी की भी तबीयत ऐसी होगी, अभी सभी देखनी, जब से सब बुखार चढ़ा, जब से कुछ भी जी नहीं कर रहा, कुछ भी काम करने को भी नहीं मन करता मेरा। फिर ऐसा रहा कि गोद में लेकर बैठ जाऊं बस। और मिट्टी जा रहा बाहर खेलने के लिए। मिठो, ए मिट्टी, मिष्टी उठने की नहीं,
गांव में से बुलाया अभी तो डॉक्टर को, आने वाले थोड़ी देर में। इसी वजह से मैं इसका सर जल्दी जल्दी नहीं धोती, बाल नहीं जल्दी जल्दी धोती, क्योंकि ठंड लग जा। हफ्ते में एक बार धोती हूँ और वो भी संडे वाले दिन धोती हूँ। संडे को देर से नहा लेते हैं, वरना तो स्कूल में जाते हैं सुबह सुबह नहाने पड़ते हैं बच्चों को। बेटा दोपहर बिल्कुल ठीक थी जब मैंने इसे खाना दिया, खाना खा रहे थे दोनों बहन भाई। मैंने खाने में आलू गोभी बनाई थी। बेटा खाना भी अच्छे से खा लिया था इसने, बस दोपहर को मेरे पास लेट गई। जो उठी अब मैं 3-4 बजे से उठती थी, 3-3.5 बजे उठती थी, 1 घंटा लेटती थी और उठ कर देखा जो बहुत गर्म हो गई। अब 5 बज रहे, पता नहीं भगवान जी इतनी दुख क्यों दे रहा। बच्चों की वजह मुझे दे दो बच्चे से, क्योंकि बच्चों को बहुत कमजोरी आ जाती है जैसे बुखार में ही। वैसे भी आजकल कितने बुखार चढ़ रहे, ऐसे बुखार चल रहे, एक दिन का बुखार चढ़ो और हाथ पैर टूट जाते हैं बिल्कुल। अब इनका ये एक दिन का बुखार चढ़ा था, 1-1.5 दिन, ये रात को और दिन में, और अब ऐसी हालत हो रही, चल भी नहीं पा रहे ठीक से, न बैठ पा रहे, काम भी ऐसे ही पड़ा, मिस्त्री लग रही है। बेटा जब ही नहीं हुआ था बुखार, जब भी नहीं मैंने कोई भी ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मेरा मन नहीं करता फिर कुछ भी शूट करने का। बस इस चारपाई पर बैठे और यहाँ से ही बता रही हूँ इस तरीके। मैं भी अभी तय बना के बस तय बना के कपड़ों के अभी घर रखा ही, और अब ये बेड है जो इधर, ये बेड है ये खिसकाना है, इधर करना है जो इसके पीछे टूट फूट, ये प्लास्टर मिस्त्री को बुलाया, दूसरे मिस्त्री को जो प्लास्टर करता है वो प्लास्टर करेगा। अब देखो कितना काम फैलेगा मेरे लिए, और बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये है ये बर्तन, ये सारे बाहर निकालने, इसमें रंग होएगा, हालत खराब हो जाएगी। देखिए दोस्तों डॉक्टर को दिखाई थी मिष्टी, और मिष्टी को मैंने दी थी दवाई, दवाई देने के बाद में देखिए चेहरा खिल गया, बुखार उतर गया इसका, चेहरा खिल गया। 101 बुखार था दवाई देने के बाद में, बुखार उतरते ही इसने मांगी थी खिचड़ी व्हाइट वाली, और मैंने इसके लिए खिचड़ी व्हाइट वाली खिचड़ी बनाई। दोनों बहन भाई को व्हाइट वाली खिचड़ी बहुत पसंद है, दाल घेर के, है ना। अब ये ठीक है, जब ये इसे कुछ हो जाता है, मतलब दोनों बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो मेरा चेहरा उतर जाता है। जब ये हंसना शुरू कर देता है तो मेरा चेहरा भी हंसना शुरू कर देता है ना बेटा। अब ये ठीक है, अभी ना दोनों बच्चों ने खाना खाया और सुबह को स्कूल में जाके ना बेटा, स्कूल में जब से स्कूल ने मिस कर दिया है ना। तो देखिए हमने ना आज की छुट्टी दे रखी थी, पेपर छुट्टी मिल जाएगी। हाँ
आज की छुट्टी थी बच्चों की, जिनके पेपर बीच में छूट गए थे उन बच्चों को जाना था, वरना जिसके पेपर पूरे हो गए आज उनकी छुट्टी थी। तो मिट्टी की और मिष्टी की, मैं सिर्फ प्यार से मिट्टी भी बोलती हूँ, मट्ठू बोलती हूँ, उसके पापा बोलते थे ये सब, मिष्टी मट्ठू मिट्टी है ना। तो चलिए आज का व्लॉग हम करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कि अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।